तो नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं फोटो एडिटिंग अगर आप करते हो तो। तो दोस्तों, मैंने एक फ़ोटो ओपन कर लिया है। जिस ऐप के बारे में मैं बताऊंगा बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स, वो यही है, ठीक है। इसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरे पास फ़ोटो है। अब ये फ़ोटो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरे से क्लिक करिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मोबाइल का क्लिक किया हुआ फ़ोटो है, और इसमें भी ये जो आप ब्लर देख रहे हो, इतना ब्लर था नहीं, इसको मैन्युअली करा है। तो आप एक अच्छे से ब्लर कैसे कर सकते हो कैमरे जैसा, DSLR जैसा, वो मैं आपको और किसी वीडियो में बताऊँगा। अभी इस वीडियो में आपको बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्स के बारे में बता रहा हूँ। में बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स आप देख सकते हो, हर टूल के अंदर आपको और टूल मिल जाएंगे। देख सकते हो कितने सारे टूल्स हैं, इतने तो पिक्सार्ट में भी नहीं है, है ना। पिक्सार्ट का जो मेन काम होता है वो लेयर्स वगैरह चेंज हो जाती हैं उसमें, और फोटो को कट वगैरह कर सकते हैं, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पिक्सार्ट बहुत अच्छा ऐप है, और थंबनेल बनाने के लिए। बाकी के पिक्सार्ट इतना अच्छा ऐप नहीं है, हालांकि है बट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये है। तो टूल बीच की खासियत क्या है, इसमें आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे टूनिंग पे, और आप इधर जो सेकेंड लाइन में नीचे लास्ट में चैनल मिक्सर, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं और आप कुछ दो तीन सेटिंग कर लेते हैं, तो आपके फ़ोटो में जो है गजब के लुक आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से वो जो आप हैं एडिट कर सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगे। देख सकते हो आप कितना बढ़िया ही बढ़िया यहाँ पर एडिट हो जाता है, फ़ोटो कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं, देख सकते हो, है ना। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फ़िल्टर में अगर आप जाएंगे तो आपको फ़िल्टर में भी इसमें बहुत सारे ऐप्स मतलब मिल जाएंगे फ़िल्टर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पोर्ट्रेट, है ना, इस प्रकार की जो आप ये देख रहे हो, ये सिनेमेटिक बोलते हैं इसको, तो काफ़ी ज़्यादा तो फ़िल्टर ही मिल जाते हैं। और उसके बाद एक विंटेज में अगर आप चले जाते हैं, बिगनेट जो भी, इसमें आपको बहुत सारे प्रीसेट से मिल जाते हैं, मतलब ये फ़िल्टर हैं। और लाइट रूम में इनको प्रीसेट बोलते हैं, इस टाइप के प्रीसेट भी लाइट रूम में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि आप इनको जैसा कि मान लो मेरे को ऐसा फ़ोटो एडिट करना है, इसको थोड़ा कम ज़्यादा करना है, इधर से मैं इसको फील भी कर सकता हूँ, जहाँ जाए वहाँ कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, फील और इरेज का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है आपको, है ना। इसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, कलर बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस प्रकार से कलर बैलेंस कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, है ना, बहुत मस्त है। और इसमें आपको एक ग्रेडियंट पैम्प मिल जाता है, इसमें आप इस प्रकार से भी फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हो, हालांकि इतने दमदार नहीं है। इसके अलावा आपको एक और मिलता है, इधर हम चलेंगे डेकोरेट में, तो आपको एक ड्यू करके ऑप्शन मिलता है। ये बहुत काम का है, लेकिन ये अभी क्या पता ये चल नहीं रहा है, टूल भी जिस प्रॉब्लम को क्या पता कब तक फिक्स करेगा। हालांकि ये बहुत अच्छा है टूल है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है। एक बार इसको डिलीट करके मैं वापस से ओपन, मतलब डिलीट करके इंस्टॉल करके वापस से ओपन करूँगा, फिर आपको बताऊँगा, है ना। इसके अलावा इसमें फिर टेक्सचर मिल जाते हैं, इस प्रकार से आप कम ज़्यादा कर सकते हो इनको, है ना, और यहाँ से इरेज वगैरह भी कर सकते हो, है ना। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत सारे मैं आपको इसमें अच्छे अच्छे टूल्स बताऊँगा। फिर एक फ्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस प्रकार से आप कहीं पर भी ये ऐसे कर सकते हो, है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो इफ़ेक्ट्स में चलते हैं, इफ़ेक्ट्स में अगर आप यहाँ पर आ जाते हो, क्या बोलते हैं, वाटर रिस्ट्रिक्शन में, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से टूल मिल जाते हैं जो एकदम ये तो ऐसा लगता है जैसे नदी में ही हो आप, है ना। तो देख सकते हो पानी वाले, है ना, ये तो काफ़ी मस्त लग रहा है ये वाला तो। हालांकि मेरा पोज जो है वो पानी के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फ़ोटो मस्त लग रहा है ना। और इसमें मिल जाता है आपको, फिर पोर्ट्रेट में चलेंगे तो आप अपने फेस को गोरा वगैरह यहाँ से कर सकते हो, इस प्रकार से जूम करा और इस प्रकार से आप अपने फेस को गोरा कर सकते हो इस प्रकार से, है ना, देख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप गोरा वगैरह भी अपने फ़ोटो को कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक और टूल्स मिलता है, क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट्स का, इससे आप अपने बालों को सही कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि बालों को आप इस प्रकार कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ एक मिनट, ये इस प्रकार से कर सकते हो, ब्लर नहीं हो रहा है, ये बाल मेरे अभी बड़े दिख नहीं रहे इसलिए वो ठीक से नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ब्लर कर सकते हो इसमें। और अगर पोर्ट्रेट में अगर और मैं बात करूँ तो स्किन फेस चेंजर, बॉडी को जो है पतली कर सकते हो इस प्रकार से, मोटी कर सकते हो इस प्रकार से, है ना। बहुत सारे टूल्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो इस पर डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।